महंगाई ऐसा कोई कुछ खास न। बच्चा बोल रहा है कि महंगाई नहीं हुआ, वो पागल है, वो घसकल है, वो घसकल महंगाई नहीं है, नहीं कह रहे नहीं है। महंगाई है न तो नहीं है, महंगाई इतना नहीं है जो लोग के पेट नहीं भरता है। महंगाई तो है, अब क्या बोलिएगा, बहुत गरीबी से जिंदगी गुजर रही है। लेकिन वोट मोदी जी को दोगे न? वोट तो मोदी जी को दोगे, ये तो बात है ना। चाहे जितने गरीबी हो जाए, महंगाई हो जाए, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, देना तो उसी को देना और किसी को नहीं, बस हो गया। अच्छा नीतीश जी कैसे नेता लगते हैं? वो बेकार है, सबसे बेकार है। चावल देता है कोटा में सरला हवा, यह चावल सड़िया दे पब्लिक खा ले, ये चावल दे रहे हैं, यह सड़िया चोर खाने लायक अनाज है। बिहार के जो खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं, वो भी देखिए कि यहाँ गरीबों को जो अनाज मिल रहा है वो चावल इस तरह का मिल रहा है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो वही सब तो सर क्या करिएगा, वही सब बेचते। लेकिन वोट मोदी जी को दोगे? ओनली मोदी जी। सरल चौर बांटने बोलता है, 5 किलो के चौर देता है, बुढ़िया का पैसा नहीं मिलता, गोल टूट गया है, अभी तक वोट टूटा हुआ है, गहूम देता है और कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। सुनिए, जो दारू पहले में जितना इंडिया में बिक रहा था उतना उससे बेसी अभी इंडिया में दारू बिकता है, समझ गए ना? क्योंकि नहीं कभी जी सर पीते हैं, पुलिस ले चल जाएगी पकड़ के। मालूम है सर, हम जोगबनी में हैं, उधर देखिए सड़क, ये जो सड़क है इस सड़क के उस पार नेपाल है और कोई उस तरह का बॉर्डर नहीं है। वो जो घर दिख रहे हैं सारे नेपाल और इधर बिहार है, भारत है। तो हम यहाँ पर जो लोग रहते हैं बिहार के, लोकसभा चुनाव को लेके इनकी क्या राय है, क्या विचार बनाए हैं? क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र राय। सुरेंद्र राय, ये जगह है जोगबनी जी, जिला है अररिया, अभी बीजेपी के सांसद हैं यहाँ से। क्या नाम है? प्रदीप सिंह। हाँ, कितना काम किए हैं प्रदीप सिंह? बहुत अच्छा काम किए हैं प्रदीप सिंह जी, रोड बनवाए हैं, कोटा जो पहले राशन नहीं मिल रहा था मोदी जी के समय से अब राशन भी मिलना उपलब्ध हो गया है। इधर आइए, तो इस बार किधर मन माहौल बना है? इस बार मोदी जी रहेंगे। हाँ, क्यों मोदी जी? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना। क्या क्या अच्छा काम किए? बहुत अच्छा काम किए हैं मोदी जी ने, रोड बनवाए हैं, राशन जो अभी उपलब्ध है मोदी जी के कारण है। उस समय लॉकडाउन में भी राशन फ्री सेवा था, अभी भी फ्री सेवा है। और क्या बोले? आप क्या बोल रहे थे? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राकेश सहनी हुआ सर। राकेश सहनी, अच्छा, तो अब क्या माहौल है इधर? माहौल तो ठीक है, मोदी जी जब तक है तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, दिक्कत भी नहीं है, समझ गए ना? जब तक मोदी जी है तो वही सही है। अब महंगाई लोग कहते हैं कि बढ़ रहा है। नहीं सर, ऐसा तो कोई बात नहीं, बढ़ा तो महंगाई बढ़ा भी था और फिर कम भी हुआ, तेल के दाम भी बहुत बढ़ा था, फिर भी तेल के दाम घट गया। महंगाई ऐसा कोई कुछ खास नहीं, महंगाई खास नहीं। कितना कमाते हैं आप भैया? दिन के तो 500-600 रुपये कमाते हैं। 18 हज़ार महीना कमाते हैं जी, तो आपको महंगाई कुछ नहीं लगता ना? ऐसा बात नहीं, महंगाई तो है, आप क्या बोलिएगा। अब सब देखिए, एक तो ओनली क्या होता है ना, इधर जैसे बहुत जगह आदमी आता है सामान लेने के लिए, बस उसी कारण महंगाई होता है। लेते तो खाली अपना इंडिया का अगर लेता तो। पढ़ाई लिखाई किए हैं आप? नहीं सर, पढ़ाई तो नहीं किए। बाल बच्चा आपका पढ़ता है? एक बेटी है, नेपाल में पढ़ती है। भारत में कहीं नहीं पढ़ती? वो नेपाल में पढ़ा था, नेपाल में थोड़ा क्या है तो ऐसे, मेरा वह नेपाल के अंदर हम लोग नेपाली में रहते तो वही नेपाली में पढ़ा है। अच्छा, वोट कहाँ देते हैं? वोट तो हम लोग सर इंडिया में देते हैं। इंडिया में? जोगबनी में? जोगबनी में सर। अच्छा, तो नेपाल में बच्ची को पढ़ाते हैं? अच्छा, यहाँ पर कुछ चाची। अच्छा सुनिए, इधर महंगाई उगाई हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ बेले या कि काई? बच्चा बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं हुआ। वो पागल है, वो घसकल है, वो घसकल के महंगाई नहीं है, नहीं कह रहे नहीं है। महंगाई है न तो नहीं है, महंगाई इतना नहीं है जो लोग के पेट नहीं भरता है, घर द्वार बना ले नहीं होता, 400 रुपया सरकार देता है उससे की होगा। अब अति चाउर देता है कोटा में सरला हवा, अब बोलता है तो कहे भागो भागो यहाँ से भागो, से बोलता है नहीं दो अनाज तो दे रहा है। ऐसा बात ना, खाने लायक अनाज है चाची? नहीं 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 है, खाने लायक अनाज है? नहीं। इधर आइए भैया, आप ही बोल रहे थे अनाज जो मिलता है आपको खाने लायक रहता है, सही बोले? नहीं नहीं, काहे नहीं, तो कैसे खाते हैं उसको? अब क्या करे, खाने पड़ता है, फटक उटक। क्या बोले दादी? फटक बना खाया, इतना खुद्दी निकला है। हाँ टूट है। अच्छा अच्छा अनाज नहीं मिलता? नहीं अच्छा नहीं था, खुद्दी था, गर्दी था, कंकड़ पत्थर। आप लोग वोट देते हैं? हाँ तो वोट हम लोग देते हैं।
तो अभी मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अब हम कैसे कहें कैसे काम? आप प्रधानमंत्री आपके देश के? पंद्रह हम का जाने, हमरा का मालूम नहीं, नहीं मालूम आपको कुछ नहीं, घर वाले जिसको बोलते हैं उसको दे देते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी घर वाले नहीं है हमको, मुसलमान है हमको, घर वाले नहीं है। अच्छा, बाल बच्चा है ना? बाल बच्चा है, सब ब्याह शादी कर दिया, अलग अलग है। अच्छा, आता है मिलने जुलने? साथ में रहता है ना कोई? साथ में रहता है। अच्छा, आप लोग वोट वोट देते हैं चुनाव में? कौन नेता पसंद आते हैं? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार? अब वो कहता है कि जे हम आपको घर बना देंगे, ई कर देंगे, वो कर देंगे, हमरा में दीजिए। अब वहाँ जाते हैं, हमरा तो बुझने नहीं आता, जे में मन होता है में गिरा दे, जे मन में होता उसमें। पढ़ल लिखल तो है, अब एबा जीता है वही में कहता है कि एगो लगा दो। हाँ, आय बिहान अपन काम में रहता है, अनहारे रहे, एगो कुछ लगे वो नहीं करे। बिजली बिजली ठीक है यहाँ? लाइन रहता है? हाँ, लाइन रहता है, में नहीं लगा। पानी की शिकायत? पानी वानी पीने के? नहीं, पानी है, पानी है। हाँ, पानी है। स्कूल वगैरह ठीक चलता है इधर बच्चों की पढ़ाई के लिए? नहीं, स्कूल मनमाना मनमाना, अखनी तो हमरा के नहीं जाता है, इस सब है, इस सब जाता है, ओठन भाई एगो स्कूल है मनमाना, अपन बैठ गया, दू गो चार गो आया, नहीं आया, कोई जरूरत नहीं। मोहल्ला कौन सा है? ये 3 नंबर वार्ड टिकलिया बस्ती। अच्छा, और कोई बोलना चाहेंगे? के बोलेंगे? हाँ हाँ, दिखाई दिखाई दिखाइए। सरिया चोर कहे कोटा में दे मोदी, यहाँ चोर दे सरिया चोर। हट जा बेटा बाहर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? की बोल रहे थे? यहाँ चावल सरिया दे पब्लिक के लिए खाए ले। ये चावल दे रहे हैं? यह सरिया चोर। आ नेपाल में मिले थे जागो तो 4000 टका महीना लोग के, आ मोदी दे लोग 400 टका महीना, एक महीना 1000 टका खे लोग ना। इसको हिंदी में बोलिएगा? हमरा हिंदी में बोले ले ना भैया। आप बोले कि नेपाल में 4000 टका मिलता है? हाँ। अब भारत में 400 टका मिलता? 400 टका मिले छे। आई मोदी जी ऐसा चावल देते? आई सरिया चावल दे छे के? मोदी दे छे के? तो उधर दिखाइए ना कैमरा में चावल को, दिखाइए की देखते चोर। बिहार के जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है वो भी देखिए कि यहाँ गरीबों को जो अनाज मिल रहा है वो चावल इस तरह का मिल रहा है। हाँ। खुद्दी है, खुद्दी टुटा चोर दे, सरिया चोर दे। तो ये तो के तो बोले थे मोदी जी पूरा विकास पर विकास कर रहे हैं, क्या भैया मोदी जी कितना विकास किए? कुछ भी विकास नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं। देखिए रोड देखिए ना पहले। हाँ, क्या विकास है? ये तो बोल रहे भाई साहब की पूरा मोदी जी विकास किए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाहिद। जाहिद जी, यहाँ कोई विकास नहीं मोदी जी किए हैं? कहाँ किए, देखिए वहाँ रोड देखिए तो दाम ही बनाए। आइए आपको दिखाई 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 भैया, यही मोदी जी के चार्टर में नाला देखिए। तो ये नाला करेंगे मोदी जी, नाला के बनवाएंगे, आप बताइए उसी का साधन लेवल पे। इधर आइए, काम कौन कराएगा? ये वार्ड वाले कराते हैं नहीं सब? ये सब वार्ड का करवाइए, वार्ड वाले को बोलिए ये रोड है। अच्छा, इधर देखिए सुनिए, बड़ा बड़ा काम मोदी नहीं कर रहे हैं? देखिये ये काम मोदी जी नहीं कर, ये वार्ड, हम लोकसभा चुनाव के बारे में पूछना है। मोदी जी महंगाई कम किए हैं? कुछ नहीं, बढ़ा। रोजगार दे रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, सब बेरोजगार, सब बेरोजगार है। नेपाल में जाता है कमाने? हाँ, देखिए ये लोग बेरोजगार है। हाँ, आप बेरोजगार हैं जी? जी सर। हाँ, रोज कितना कमाते हैं? वही कमाने के लिए कभी 200-400-500 भी हो जाता है, कभी जैसे भी माइया, कभी कुछ भी नहीं, कभी 200-400 रुपया भी हो जाता है। बड़ी गरीबी से जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी बहुत गरीबी से जिंदगी गुजर रही है। लेकिन वोट मोदी जी को दोगे ना? वोट तो मोदी जी को दोगे, ये तो बात है ना। चाहे जितने गरीबी हो जाए, महंगाई हो जाए, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, देना तो उसी को देना और किसी को नहीं, बस हो गया। अच्छा, नीतीश जी कैसे नेता लगते हैं? वो बेकार है, सबसे बेकार है। कहा है दारू बंद किया, इसीलिए दारू से ऐसा मतलब नहीं। दारू तो अभी सुनिए, जो दारू पहले ना जितना इंडिया में बिक रहा था उतना उससे बेसी अभी इंडिया में दारू बिकता है। हाँ। समझ गए ना? कि नहीं कभी? जी सर, पीते हैं। पुलिस ले चल जाएगी पकड़ के? ओ मालूम है सर, मालूम है, उससे बेसी तो अभी इंडिया में पीते है दारू। तो यानी शराबबंदी सफल नहीं है? नहीं, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई भी हो गया है, समझ गया, बेरोजगारी है, बेरोजगारी। तो वही सब तो सर क्या करिएगा, वही सब बेस्ट। लेकिन वोट मोदी जी को दोगे? हाँ, ओनली मोदी जी। हाँ हाँ, बाहर से आए दादी, यहाँ सरल चोर बात नहीं बोलता है, 5 किलो के चोर देता है, बुढ़िया का पैसा नहीं मिलता, गोल टूट गया है। हाँ। अभी तक वो टूटा हुआ है, गहूम देता है, यहाँ 5 किलो का चोर देता है मात्र। गरीब का नौकरी बेटा है ना कोई है हमारा? विधवा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं दिया है, दिए है लिख के रख लिया। ऐसा है, गोर देखिए टूटल है 5 बरस से, घर द्वार हमारा टूटल है। हाँ। कोई नहीं हमारा है,
नीतीश जी काम करते हैं मुख्यमंत्री? करता है या 5 किलो चौर देता है खाली। मोदी जी देते हैं कुछ? वही 5 किलो चौर दिया है और कुछ नहीं किया? कुछ नहीं दिया है हमारा। देश का विकास हो रहा है, महंगाई कम हो रहा है। महंगाई कम हो रहा है मोदी जी बोलते हैं? हाँ, कहिए गोड़ टूटल है, गया है देखने लिए आया है। क्या बोले? तेल का भाव कम है, कौन चीज कम किया? सरसों तेल सस्ता हुआ है? हाँ हुआ है। कितना हुआ? पहले था 3500, कितना 2700, अभी 22। गैसों का भाव घटा है, झूठ का बोलेंगे? सरकार का खाते है, सरकार का बोलते हैं। चावल देता है सरल सरल, गहूँ गैब बोरा का बोरा गहूँ बेच लेता है। हाँ दादी, हमारा बुरारी पैसा नहीं मिले, कहीं कोशिश करिए। तो देखेंगे तो कते जेबे? क्या नाम हुआ आपका? कैली। अब वार्ड नंबर? हाँ, 4 नंबर है ना। 3 नंबर वार्ड जोगबनी। हाँ हाँ, जिला अररिया। अररिया जिला। हाँ।